ये हमारा होटल है इमार रॉयल, और होटल से हम लोग लेफ्ट हैंड पे मुड़े तो कुछ इस तरह का रोड है। सामने ही मस्जिद नबवी के मीनार नज़र आ रहे हैं, और ये सारे होटल्स लाइन से हैं। ग्रैंड प्लाजा है और काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं इस लाइन में। तो मैंने सोचा आज होटल से मस्जिद नबवी तक का रास्ता आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अभी हम जा रहे हैं, बीच में ये एक रोड पड़ रहा है, टोटल दो रोड आएंगे क्रॉसिंग के लिए, उसके बाद आपने ये स्ट्रेट जाते रहना है, ना कहीं मुड़ना है ना कुछ। बिल्कुल सामने है होटल, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तकरीबन 4-5 मिनट का रास्ता है, 3-4 मिनट का, इससे ज़्यादा रास्ता नहीं है। आज जो है वो फ्राइडे है, इंशाल्लाह हम लोग जुमे की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करेंगे। ये इस तरह से शॉप्स भी दी हुई हैं, बनाई हुई है, ये जूस शॉप है और ये शोपीस और टॉयज वगैरह हैं इस शॉप में। ये छोटा सा ये ग्रॉसरी स्टोर है, यहाँ खाने पीने की चीज़ें छोटी मोटी जो होती हैं चीज़ें वो मिल सकती हैं। यहाँ पर फार्मेसी है, फार्मेसी के बाद ये लाइन बिल्कुल सीधी 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 जो है वो जा रही है। अब आने वाला है सेकंड रोड, इसको क्रॉस करेंगे और फिर डायरेक्ट मस्जिद नबवी। इस तरह से यहाँ से आप लोग सिम्स वगैरह भी ले सकते हैं, सिम्स भी मिल रही हैं यहाँ पर, मोबाइल की और एसटीसी जो भी लेनी है, होटल से बिल्कुल करीब है। ये सेकंड रोड है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। शॉप्स हैं यहाँ पर, तस्बीहात वगैरह हैं और ज्वेलरी शॉप है, गोल्ड की ज़्यादातर शॉप्स हैं। सब लोग जा रहे हैं माशाल्लाह जुम्मे की नमाज के लिए। ये इस लाइन में गोल्ड शॉप ज़्यादा हैं, और जो दूसरी साइड है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें हैं। ये रही गोल्ड शॉप, एक देन ये H&M है यहाँ पर क्लोथिंग ब्रांड। यहाँ पर इस तरह केबिन है, यहाँ पर मिसवाक वगैरह बेच रहे हैं, और ये रहे मदीने के कबूतर, लोग यहाँ पर दाना डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह वापसी में डालेंगे। सहन के बाहर हम लोग एंटर हो रहे हैं मस्जिद नबवी में, हरम के हदूद में आ गए हैं। ये गेट नंबर 339 है, यहाँ से एंट्री है। मैंने वीडियो को बिल्कुल कंटिन्यू रखा हुआ है, तो तकरीबन हम लोग 3.5 मिनट में हरम पहुँच गए हैं, हरम में हदूद में दाखिल हो गए हैं। मैंने वीडियो को ऑफ नहीं किया, बहुत करीब और बहुत इजी। जो लोग अकेले आ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स अकेले आ रहे हैं, वो ये वाला होटल कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जेंट्स को जाने नहीं दे रहे व्हीलचेयर की वजह से। बाहर तक लोग बैठे हैं, देखते हैं मस्जिद नबी में जगह मिलती है या नहीं मिलती। तकरीबन 1.5 घंटा पहले आए हैं हम लोग नमाज से, लेकिन जो है अभी वो फुल है। माशाल्लाह मुसलमानों का शौक देखें कि अभी नमाज में तकरीबन 1.5 घंटा है, लेकिन लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप लोग दुरूद व सलाम पेश करें, कम से कम एक बार दुरूद इब्राहिम पढ़ दें इस पाक जगह को देखकर। अल्लाह ताला आप सबकी भी हाजिरी नसीब फरमाए।
और जो लोग आ चुके हैं उनको बार बार बुलाएं। आमीन सुमाम। अच्छा बिल्कुल इधर सामने भी वॉशरूम भी है, इसी 339 गेट सेंटर होंगे, वॉशरूम भी मिल जाएगा सामने, लेडीज वॉशरूम है ये। अगर वजू वगैरह करना है, वैसे तो होटल इतना करीब है, अपने होटल से करके आना चाहिए वजू। हरम में एंटर होके राइट साइड पे मुड़े हैं तो ये पहला ही गेट है, गेट नंबर 26। लेकिन हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 25 पे। ये रहा गेट नंबर 25। माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है अंदर, ठंडी खुशबूएं आ रही है। मस्जिद में अभी एंटर नहीं हुए लेकिन जो है वो ठंडक और खुशबू का एहसास इतना अच्छा है। चलिए जी अंदर जाते हैं मस्जिद में। बिस्मिल्लाह, एंटर हो गए हैं मस्जिद में और बिल्कुल फुल हुई हुई है, बाहर तक लोग बैठे हुए हैं। अभी नमाज में टाइम है लेकिन जो है इतना फुल हो चुका है, शायद हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलें आप जी, अजान होगी तो वो थोड़े से क्लिप्स मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। अभी मैं वीडियो को बंद करती हूं और अपनी इबादत स्टार्ट करते हैं। नमाज पढ़ ली थी और अब मैं जा रही हूँ दोबारा वापस होटल। जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली है, अल्लाह ताला जिसने जगह मुझे दी अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए उसके बदले। तो यहाँ पर बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो जगह देने पर बिल्कुल राज़ी नहीं होती, बल्कि और फैल के बैठ जाती हैं या अपना सामान वगैरह रख देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जो जगह दे देती हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ ही निकलती है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखें। तो ये चीज़ भी होती है। यहाँ पर हस्बैंड को बाहर सहन में जगह मिली तो वो सहन में नमाज़ पढ़ रहे हैं और बच्चे भी आ गए हैं।
पिक्चर्स ले रहे हैं यहाँ पर। अब मैं जा रही हूँ होटल। ये बिल्कुल स्ट्रेट गली है और ये इसकी वीडियो मैंने बना ली है। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब जाते में वीडियो बनाई थी तो ये रोड्स पे सिर्फ नमाजी जा रहे थे। अब ये जो शॉप्स वाले हैं उन्होंने बाहर अपना सामान रख दिए हैं सेल करने के लिए और इस तरह से एक तरह से बाज़ार लग गया है तो यहाँ से लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। ये वही रोड है जो मैंने जाते हुए दिखाया था और ये वापसी में ये सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलते हैं। जब तक मैं अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।